यूक्रेन की सेना से हो रहे सरेंडर में एक स्पेशल रेडियो फ्रीक्वेंसी का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। रूसी सेना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विशेषज्ञों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी 149.2 बनाया है, जिस पर किसी भी वॉकी टॉकी से संपर्क किया जा सकता है। रूसी सेना के सामने जिस भी यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना होता है, वो अपने वॉकी टॉकी से इस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कोडवर्ड बोलगा के साथ संपर्क करते हैं। उन सैनिकों को सेफ रूट दिया जाता है और उन्हें सुरक्षित हथियार डालने का मौका मिलता है। रूसी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक सरेंडर के बाद सैनिकों को ठीक से रखा जाता है। कई मामलों में उन सैनिकों को यूक्रेन में अपने परिजनों से संपर्क भी कराया गया, जिससे वो अपने परिवार वालों को बता सके कि वो जीवित है और रूसी सेना के पास सुरक्षित है। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी का असर इतना हुआ है कि यूक्रेन के लोगों के बीच ये संदेश फैल गया है कि अगर आपको जिंदा रहना है और परिवार वालों के पास वापस जाना है तो सरेंडर कर दो। दिलचस्प बात यह है कि सरेंडर करने वाले सैनिक अपने साथ पश्चिमी देशों से दिए गए बंदूकों और दूसरे हथियारों को भी रूसी सेना को सुपुर्द कर रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों के बड़े पैमाने पर हो रहे सरेंडर की कई वजह हैं। पिछले दिनों यूक्रेन में बड़े पैमाने पर उन लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया जिन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर पहुंचकर ये लोग रूसी सेना के सामने सरेंडर के लिए संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो रूसी समर्थक हैं और अब तक अंडरग्राउंड थे। ऐसे मामलों में पूरी की पूरी यूनिट सरेंडर कर रही है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अब रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ाई में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों के काफी संख्या में मारे जाने से डर और हार कर बाकी सैनिक जिंदा रहने के लिए भी सरेंडर को ही बेहतर विकल्प समझ रहे हैं।